नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा से। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स से भारत के लिए बेहद शानदार खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ पाने की ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना ने इतिहास रच दिया है। भावना ने सेमीफिनाल में चीन की खिलाड़ी मियायो को मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। भावना ने चीन की मियायो के खिलाफ मिली जीत को अपने लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। बता दें कि टेबल टेनिस महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भावना पटेल ने चीन की जेंग मियायो को 3-2 से हरा कर पैरालंपिक गेम्स में भारत के खाते में पहला पदक पक्का कर लिया है। इसी के साथ ही अब वो गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय महिला ओलंपिक या पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा नहीं कर सकी है। भावना के पास भारत की पहली गोल्डन गर्ल बनने का खूबसूरत मौका है। भावना ने शानदार जीत के बाद कहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर कोई हमेशा कहता है कि चीन को हराना नामुमकिन है, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैंने कभी भी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझा और आज मैंने इस बात को साबित कर दिया है कि आप चाहें तो सब कुछ संभव है। भावना पटेल का ये जज्बा हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।